नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। बता रहे आपको, ये बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से जुड़ी हुई, और हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक प्रस्ताव पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम योगी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन आज है, तो सभी की नजर पीएम मोदी के संबोधन पर होगी। साथ ही साथ राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर पास होने हैं, और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए राजनीतिक प्रस्ताव को पेश करेंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हिमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राजनीतिक प्रस्ताव पर यहां संबोधित करेंगे। तो आज ये बैठक होनी है, लेकिन बता दें आपको कि हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे। हैदराबाद से लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर वो पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर अग्निपथ भर्ती को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस पंचायत में शामिल होंगे। आज महापंचायत होनी है। अग्निपथ भर्ती को खत्म करने के लिए मांग की जा रही है, और इसके लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान, युवा और लोकदल के नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। तो जिस तरह से ये महापंचायत हो रही है, जयंत चौधरी यहां पर शामिल होने वाले हैं, एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश होगी। पवन अग्रवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ के हैं। एक तरीके से फिर से युवाओं में, किसानों में अपनी पार्टी की मजबूती को दिखाने के लिए या उनसे संपर्क साधने के लिए एक बड़ा ऐलान या बड़ी कोशिश महापंचायत के जरिए हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर ये महापंचायत हो रही है, इसके बारे में क्या अपडेट? चलिए मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल की जो अध्यक्ष जयंत चौधरी, वे एक अग्निपथ के विरोध में किसानों की पंचायत करने जा रही है। आपको बता दूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी, उसके दूसरे तीसरे दिन ही विरोध शुरू हो गया था, और सबसे पहले लोकदल ने अपना राष्ट्रीय विरोध दर्ज किया और अपना प्लान जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद शामली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, इस तरह का एक प्लान बनाकर उन्होंने वायरल किया। और सबसे पहले इन्होंने शामली के अंदर एक पंचायत की थी अग्निपथ के विरोध में सनी, और लगातार आज दूसरी बार मुजफ्फरनगर के अंदर ये अग्निपथ का विरोध करने जा रहे हैं। और साकुर कस्बे के बसी रोड पर यह पंचायत आज होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूर्ण लोकदल ने कर ली है। मंच सज चुका है और पूरा पंडाल सज चुका है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता वहां मौजूद है। 1 बजे आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। सनी, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन इसके आश्रय कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जमीन जो कमजोर पड़ गई थी, जो हमने देखा चुनाव के दौरान, उसको मजबूत करने की कोशिश है। और 2024 की जो तैयारी है वो अभी से वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इसको लेकर जो प्रतिपाद है मिलना चाहिए, जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं की, लोगों की, वो मिल पा रही? कितने लोगों के एकजुट होने की यहाँ पर संभावना है? सनी, मैं आपको बता दूं, जब से लोकल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जयंत चौधरी साहब कुछ लड़ रहे थे आदर्श में, उनकी जहाँ लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके बाद से एकदम से जाट जो समाज है वो एकदम से लोकदल के प्रति इकट्ठा हुआ, समर्पित हुआ, और उन्होंने 2022 चुनाव में 10 लोकदल के विधायक विधानसभा चुनाव में जिताकर विधानसभा में भेजे हैं। और उसके बाद से एमएलसी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी को बनाया है, और उसके बाद से लगातार युवाओं में और खासकर जाट समाज में
लोकदल की लोक प्रिया जो खत्म हो चुकी थी बीजेपी के प्रति समर्पण हो चुका था वो दोबारा से लोकदल के प्रति उभर कर आई है और लगातार लोकदल को जाट समाज जो एक उसका एक वोट बैंक है वो एकजुट नजर होता आ रहा है। आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और हो सकता है 2024 के जो चुनाव अब आने वाले हैं लोकसभा के उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भागीदारी लोकदल निभाएगी मुजफ्फरनगर के अंदर। सनी, जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो दूरगामी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है जयंत जी, और ऐसे में देखना ही होगा कि जयंत चौधरी का जो आज का जो ये महापंचायत का कार्यक्रम है कितना प्रभावी साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का, गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर है। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है, किसान नेता राकेश टिकैत इस बैठक में शामिल होंगे। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी वो करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर ये बैठक होनी है। जिस तरह से ये आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, ऐसे में एक बार फिर से इसमें जान फूंकने की जो कोशिश है वो होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जमीनी स्तर पर जो किसान है, जो संगठन है अलग अलग, उनको जोड़ने की कोशिश है, आगे की जो रणनीति है उसको तय करने की जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, जिस तरह से हमने देखा कि ये जो अब तक का जो ये किसान आंदोलन था कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से एक बार उसको फ्रंट फुट पर लाने की जो तैयारी है वो होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से संगठन के अंदर जान फूंकने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर से वो जो आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई थी, जो गर्माहट थी या कह लीजिए कि जो एक आक्रामकता थी उसको लाने की कोशिश है। देखिए सनी, अगर बात की जाए तो जहाँ 13 महीने किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में जो उनकी मांगे रखी गई थी किसानों की वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मानी गई थी, लेकिन धरातल पर अगर बात की जाए तो किसान नेता जो है वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार ने जो भी उनसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। इसको लेकर आज गाजियाबाद में एक बड़ी अहम मीटिंग की जा रही है जिसमें जो किसानों की जो एमएसपी को गारंटी कानून को लेकर बात की गई थी सरकार के द्वारा, या इसके अलावा जो किसानों के जो बिल माफ होने के, बिजली विद्युत माफ होने की बात कही गई, किसानों के जो केस थे वो वापस होने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसको लेकर भी एक बहुत आक्रोश किसानों के अंदर देखने को मिला, इसलिए आज एक अहम मीटिंग रखी गई है और हो सकता है एमएसपी को लेकर आज एक बड़ा ऐलान राकेश टिकैत कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं और यही वजह है कि आज बड़े स्तर पर किसान नेता जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और सुबह से ही लोगों का जो किसान है वो जुटे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर गाजियाबाद में मौके मौजूद है हमारे किसान नेता हैं और युवा भी हैं। आज किसान नेता रोहित राकेश टिकैत यहाँ आ रहे हैं, क्या मेन मुद्दे रहेंगे यहाँ पर इस मीटिंग को करने के लिए? देखिये, मेन मुद्दा हमारा एमएसपी का है। एमएसपी पे जो सरकार ने हमें बोला था उस पर उन्होंने ना कोई कमेटी बनाई है और ना कोई बात करी है। सरकार अपने हर वादे जो उन्होंने किया था हर वादे से मुकर रही है। इसी को लेकर संयुक्त मोर्चे की गाजियाबाद में एक अहम बैठक बुलाई गई है, इसमें भी कुछ 9 मेंबर की मीटिंग चालू है, बाकी अभी 11 बजे से हमारी मेन मीटिंग चालू हो जाएगी जिसमें पूरे देश से किसान नेता आए हुए। हमारे साथ देखिए गौरव टिकैत भी है जो युवा नेता है, किसान नेता, और राकेश टिकैत के सुपुत्र भी है। इन्होंने किसान आंदोलन में 13 महीने धरातल पर रहकर किसानों को मजबूत करने की बात कही थी, उनसे भी जान लेते हैं। आज किसान नेता जो कि राकेश टिकैत यहाँ आ रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, किसानों की बन्य मांगों को लेकर, क्या मेन मुद्दे रहेंगे और क्या आने की रणनीति होगी? देखो, छुपे हुए कानून सरकार को देश के किसान की हालात बड़ी खराब है। एमएसपी है और जो इशू जैसे केस वापसी की बात की थी उसको किसान आंदोलन के दौरान जो हुई थी उसको कोई बात नहीं है। तो आज संयुक्त मोर्चा जिसमें 550 किसान संगठन जो है आज एक निर्णय लेंगे और आगे की रणनीति है आंदोलन उसको जो है जो बिजली के बिल है और राज्यों से मुकाबले यहाँ पर बिजली की दर ज्यादा है, किसानों के बिजली बिल माफ करने की बात कही थी उसको भी मुद्दा लेकर मीटिंग में बात रखी जाएगी। सारे जो है मुद्दे उत्तर प्रदेश के अलग है, अग्निपथ की आपने बातचीत करी, इसका भी सीधा प्रभाव जो किसान के बच्चे को बोल नहीं रखते हैं उसको फर्क पड़ेगा। देखो, नीति कोई अगर कोई लेकर आ रही सरकार तो देखो विचार करे, बातचीत करे, बातचीत के उससे समाधान सारी चीजों का होता है। एक देश जय जवान और जय किसान का जो है नारा उसके बाद बात साफ कर लिया था, वो उन्होंने कहते थोड़ा दे दिया था, कुछ सोच समझ कर दिया होगा। भाई जवान भी मजबूत हो, देश का किसान ही मजबूत हो, फिर तो जो है मजबूत राष्ट्र बना रहे। भाई अच्छे राष्ट्र का निर्माण तो किसान और जवान से ही होगा, सारी चीजों को बैठकर विचार।
देखिए सनी, साफ तौर पर जाहिर है कि युवा किसान नेता थे जो बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक ये एक आक्रोश है जिसको लेकर ये बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे प्रधानमंत्री के द्वारा मानी गई थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर धराशायी होती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर आज एक बड़ी मीटिंग हो रही है। जी सनी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या रणनीति तय होती है, ये भी देखना होगा। आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़े थे जो बता रहे थे इस बैठक के बारे में। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे कि वहां काम कर रही 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। धमाका इतना जोरदार था कि मृत लोगों के शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। एक परिवार में कल एक विवाह समारोह था, उसी के संबंध में आज तैयारियां हो रही थी। इसी में भोजन बनाते वक्त एक सिलेंडर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपचार के दौरान कुछ लोगों को भर्ती कराया गया था, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण किया गया है, अग्रिमित कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, बता रहे आपको कि तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। निघासन रोड के इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे के पीछे की जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार बस ने कैसे इस बाइक सवार को रौंदा, क्या ब्रेक फेल हो गए थे, क्या बस से नियंत्रण छूट गया था, या बाइक सवार की कोई गलती थी, क्या वजह रही। लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बेहद दुखद यह खबर, दुर्भाग्यपूर्ण यह खबर, इस तरह से यह हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी का यह मामला। राकेश शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। राकेश, किस वजह से यह हादसा हुआ और यहां पर मृतकों की संख्या क्या 4 से और बड़ी है, क्या कोई घायल भी हुआ, क्या जानकारी? जी राकेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको खबर बता दें, लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर है, यहां पर एक बस ने बाइक सवार को रौंदा है। 4 लोगों की मौत हुई है, बस चालक मौके से फरार हो गया है। निघासन रोड के इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास यह हादसा हुआ है। राजीव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के पीछे की क्या वजह रही है, क्या जो मृतकों का आंकड़ा है वो 4 से ज्यादा हुआ है और क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है, क्या ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि लखीम बलिया की तरफ से तेज रफ्तार बस आ रही थी, इधर से बाइक सवार 4 लोग जा रहे थे जिसमें 2 महिलाएं थी, एक बच्ची जो गाड़ी चला रहा था, एक बच्चा बैठा हुआ था, और एसी की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में 4 जो बाइक सवार थे, 4 के 4 बाइक सवार स्थल पर गेट हो गई है। इतना भीतर आता था कि बाइक सवार कूद के वहां से काफी दूरी पे गिरे हैं जाके। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा है, 4 गाड़ियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल क्या हालात वहां पर है जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि यहाँ तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें बस में कोई लोग सवार थे वो भी घायल हुए हैं, कोई इसके बारे में जानकारी? बस के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस सवार ने टक्कर मारने के बाद बस लेके गायब हो गया है, बस की दूरी भी पता नहीं चला। लोगों ने ये देखा है कि बस जा रही थी तेज रफ्तार से, उससे हादसा हुआ है, लेकिन बस का कोई नंबर वगैरह कोई भी कोई वहाँ पे जो निवासी थे वहाँ के वो नोट नहीं कर पाए हैं, बस चालक बस लेके फरार हो गया है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिला अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में बने अलीगढ़ हवाई अड्डे को हरी झंडी मिलने वाली है और अगले महीने यहां से 19 सीटर विमान उड़ान भरने लगेंगे। जानकारी देते हुए जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद विमान प्राधिकरण की ओर से अगले महीने से अलीगढ़ हवाई अड्डे से विमान यात्राएं
शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अलीगढ़ से लखनऊ और दिल्ली के लिए विमान यहां से उड़ान भरेंगे। फिलहाल सरकार और विमान प्राधिकरण की ओर से यहां से 19 सीटर विमान को उड़ान भरने के लिए अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुबंध किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से, उसके अंतर्गत परिगणित हुआ है, तो निकट भविष्य में आने वाले भविष्य में जब यहाँ से हवाई सेवाएं संचालित होंगी तो उस समय जो इसका प्रबंधन है, जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे लिए, अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सौगात का विषय है और इससे जो लखनऊ या अन्य जगहों पर जहाँ के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी भविष्य में, उसके लिए बहुत सहजता हो जाएगी। आवश्यक कार्य बस अगर किसी को जाना है तो उसके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी क्रम में रामपुर में भी 36 लाख पौधे लगाए जाने हैं। रामपुर में इस बार परंपरागत पौधों के अलावा औषधीय पौधे भी लगने वाले हैं। वन विभाग की ओर से पौधारोपण की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में 5, 6 और 7 जुलाई और साथ ही साथ 15 अगस्त के दिन पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के चलते सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंद सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है। ऐसे में इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। विभागाध्यक्ष एजाज अहमद की माने तो विभाग की ओर से आपदाओं को देखते हुए इस बार 396 जेसीबी मशीन अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है और जिसमें 122 जेसीबी मशीनें विभाग की ओर से 274 जेसीबी मशीनें किराए से लेकर यहां पर सड़कों के आवागमन को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफी विशाल होता जा रहा है हर साल और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं, 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहां पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरीके से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है, जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी जरूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मसूरी विधानसभा स्थित आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित क्यारकुली गांव में ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से वर्चुअल संवाद करने के बाद लगातार राज्य और केंद्र के अधिकारियों का दौरा बना हुआ है और इसी क्रम में केंद्रीय पेयजल सचिव विनी महाजन ने स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्यारकुली गांव में विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया गया है, जिसके लिए गांव के लोग और प्रधान बधाई के पात्र। सबसे पहले तो ये पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य भी बहुत तेजी से यहाँ आगे बढ़ाया है और बहुत घरों में नल मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और सीधा नल से पानी पिया जा रहा है, कोई आरएस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये गांव अब तकरीबन इसमें सारा काम समाप्त हो चुका है। हर घर में हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अच्छे क्वालिटी का उचित मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बता दें कि 12 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। 15 निजी कंपनियां बेरोजगार युवाओं को मौका देगी। रोजगार मेले का आयोजन होगा, 15 निजी कंपनियां युवाओं को मौका देगी। अभ्यर्थियों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। क्षेत्रीय सेवा योजना की ओर से ये मेला आयोजित किया जाएगा। तो युवाओं को मौका देने के लिए 12 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है। आज शिवमूर्ति चौक से भीम गोड़ा चौक तक अपर रोड पर जमे हुए अतिक्रमण को हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर
प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया। हमारा कांवड़ भी शुरू हो रहा है, कांवड़ में इस बार काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कांवड़ मेला नजदीक है और कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं, अतः हम लोग कार्रवाई प्रारंभ की गई ताकि नाली के पीछे जा जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।